हाय हाय, हेलो, नमस्ते आप सब लोगों को। नमस्कार। मैं मिठाई और मैं सिद्धार्थ। फिलहाल आप हम दोनों को एक साथ बैठे हुए देख सकते हैं, हालांकि हम शो में थोड़े एक दूसरे से खफा रहते हैं, पर शो से अलग अभी लाइव कर रहे हैं तो साथ बैठे। तो अगर लाइक ऑल ऑफ अ सडन लाइक वी प्लान कि हम आप सबसे बातें करें, हम अपने बारे में बताएं और आपके यू नो आप लोगों के पास जो भी सवाल है हमें लेके आप जानना चाहते हो, आज हम डिस्कस करने वाले बेसिकली कि हम अपने सेट पे सबके साथ कैसे रहते हैं, फिर मेरे कुछ यू नो मिठाई और दिव्यात्मा कितनी अलग है, डिफरेंट है, और मेरे कुछ पसंदीदार शो सबके बारे में ओवरऑल बात करने वाले हैं, और हमारे जो लाइफ में हमारे साथी हैं वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। Exactly. और जो हम शूट करते हैं, हाँ थोड़ा बिजी स्केड्यूल रहता है हमेशा की तरह, क्योंकि टीवी कर रहे हैं, पर बीच बीच में जो मजाक होती है, मस्ती होती है, जो मुझे परेशान करती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज आप लोगों के साथ, क्योंकि एक्चुअली बिजी स्केड्यूल हो रहा था तो हमें भी इतना टाइम नहीं मिल रहा था, पर आज हमने डिसाइड किया कि मिठाई और सिद्धार्थ एक साथ स्क्रीन पे आप देखते हैं टीवी पे। वैसे तो आप लोग लाइक देखते ही होंगे हमें मिठाई शो में, लेकिन हम रील में क्या है, रियल में क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो रियल में मिठाई और दिव्यात्मा दो अलग इंसान है, तो वो कितने सिमिलर हैं और कितने सिमिलर नहीं हैं। सिद्धार्थ भी, चलो तुम बताओ पहले, अलग मिठाई और दिव्यात्मा कितने अलग हैं? देखा जाए तो जब से मिठाई का किरदार निभाने लगी हूँ तो पहले जितनी शांत थी उससे कई ज्यादा शांत हो गई अपने रियल लाइफ में। मैं शांत हो गई हो तुम? यस, हार्डली बात। मिठाई तो आप मेरे साथ घर पे चलते, कोऑर्डिनेशन नहीं है ना आपके पास, कोऑर्डिनेशन से नहीं मिलते मिठाई के पास कोऑर्डिनेशन नहीं है, हाथों पैरों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, पर स्टिल चलो बताओ। सिद्धार्थ जी एक ही चीज करेंगे, नॉनसेंस, डिसगस्टिंग, कोऑर्डिनेशन। चलो 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 बताओ। और दिव्यात्मा और मिठाई की अगर सिमिलैरिटीज बताया जाए, मुझे मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है, खाने वाली तुम, शो वाला भी और खाने वाला मिठाई दोनों ही बंगाली है ना, तो इसको मिठाई तो ऑब्वियसली पसंद है। तो ऑफ कोर्स नहीं, ऐसे कोई ऐसे कोई ऑब्वियस नहीं है, हां पर ठीक है ठीक है। इसमें एक चीज और डिफरेंस में, जैसे मैंने बोल दिया कि इन रियल लाइफ अगर मुझे देखा जाए, मैं रियल लाइफ में और ज्यादा ज़ोन्ड आउट होने लगी हूं फॉर नो रीजन, इतना ज्यादा बातें कर लेती हूं कि उसके बाद आई एम लाइक ओके। वो मैं भी नोटिस करता हूं। और अगर मैं बात करूं सिद्धार्थ और आशीष के बीच की डिफरेंस की, तो सिद्धार्थ सीरियस रहता है, मैं बताती हूँ सबसे पहला डिफरेंस, सब ये बता देगी इससे मैं चला जाता हूँ, ये सीरियस रहता है, पर देन नॉर्मली इसको बस मजाक करने के लिए दे दो, ये उछल कूद करता रहेगा द एंटायर टाइम, नॉट लाइक मिठाई दो, बट ये मस्ती खोर बहुत ज्यादा है आशीष। हाँ, पर मैं सेट पे आने के बाद थोड़ा ट्राई करता हूँ कि ज्यादा मस्ती ना करूँ, क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है वो एक डिमांड करता है, एक चीज, एक मूड डिमांड करता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसमें आने के से पहले थोड़ा सा उसके और साथ मैं उतना ही उछल कूद करती हूँ, क्योंकि इसका कैरेक्टर वैसा है, इसके लिए इजी है, ये आएगी और ना मैं शॉर्ट के पीछे खड़ा हूँ, मैं वैसे तो चुप रहती हूँ ना, वैसे तो चुप रहती हूँ, वैसे चुप रहती है, काफी चुप रहती है। और अगर हम बात करें, चलो तुम आज दादो के बारे में कुछ बताओ, सिर्फ दादो के बारे में, एंटायर फैमिली के बारे में, दादो के बारे में स्टार्ट करते हैं। So for me, Dadu is very innocent in real life and very innocent. And he, वो बहुत ही cute है, बहुत and cute. सबके साथ actually हमारी bonding बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। Like Indu aunty for me, she is so close to me she's in real life. हाँ, she's यारे your mom, but she's close to me. She's very close to me. मतलब whenever I talk to her, I feel अरे no, I talk to her, I feel like I'm talking to someone I really know. And same with, मेरे काफी सीन होते हैं अपेक्षा के साथ, same with अपेक्षा, same with करिश्मा, same with दादू, दादू for sure, पहले दिन से। Actually ना, आप अगर हल्ला बोल पार्टी को एक साथ छोड़ दोगे ना, तो it'll be like, okay, हल्ला बोल पार्टी को एक साथ अगर अकेले में छोड़ दिया ना, तो complete हल्ला बोल पार्टी हो जाता, like, हा, 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 ही, ही, ना, मुझे अभी भी याद है हमारा मॉक शूट था और सर ने हमें ब्रीफ किया कि हल्ला पार्टी है जो हल्ला मचाती है पूरा टाइम, तो उन्होंने सुना, फिर उसके बाद वो 10 मिनट बाद इतना हल्ला मचाने, सर ने कहा ठीक है यार हल्ला मचाती है हल्ला पार्टी, पर ये थोड़ी तुम 24 घंटे हल्ला मचाओगे। तो हल्ला पार्टी एक्चुअली हमारे शो में जो भी लोग हैं ना, द बेस्ट पार्ट इज वी ऑल कंसीडर ईच अदर इक्वल,
इक्वली इम्पॉर्टेंट, मतलब सब एक दूसरे को उतनी इज्जत देते हैं, उतना ही प्यार करते हैं, वो मुझे बेस्ट पार्ट लगता है। सो ये रही हमारे, मतलब हम सब की बॉन्डिंग की बात, और रही बात सेट में माहौल कैसा रहता है, तो हम जो भी है काम को लेके सब लोग सीरियस है अपने अपने काम को लेके, और अक्सर काम को काम पे फोकस करते हैं। बीच बीच में हाँ सब लोग मिलकर मजाक के मूड में आ गए तो हाँ 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 ही फिर सबको बोलना पड़ता है रुको यू नो लेट्स जस्ट कंसंट्रेट अगेन, हम वापस आ जाते हैं, तो वैसे जोन होता है बिकॉज द कास्ट इज वेरी बिग एंड सब लोग कुछ बनाने में। आई स्टिल रिमेम्बर वन डे हम वो मिठाई कंपटीशन वाला सीक्वेंस शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे लाइटिंग और सब पंडाल लग रहा था, तो मैं दिबात्मा और हमारे जितने भी कास्ट मेंबर्स हैं, दिबात्मा ने गाना गाया, मैंने पोइट्री बोली और सब ने कुछ ना कुछ किया, वो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है साथ रहना एंड वैसे माहौल बने रहना। हाँ माहौल बने रहना वो इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। अच्छा तो हम दोनों के लिए ही सिद्धार्थ और मिठाई कुछ सवाल किया है आप लोगों ने और उसका जवाब देना चाहेंगे जी। तो किसी ने मिठाई से ये पूछा है कि मिठाई का सबसे जरूरी साथी, मिठाई की जिंदगी में सबसे जरूरी साथी कौन है, तो अगर साथी की बात की जाए, अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो पहले है गोपाल जी और अब दद्दू आ गए हैं, पर दद्दू मेरे दादो की नंबर वन चॉइस में। एक सेकंड मेरा आंसर था, मेरे जो पार्टनर है वो दादू है, मेरे साथी दादू है, क्योंकि मेरी मदर नहीं है, उसके बाद दादो, अभी दादो को छीन लेगी, दादो को तुम छीन लोगी। मैं तो बस जवाब दे रही थी, ये पता नहीं कहाँ से बीच में से कहाँ पे क्या दादो को लेके, ठीक है ओके फाइन। मेरे लिए बिंदु आंटी की। तो किसी ने ये भी सवाल किया है कि आपका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, तो आप रियल लाइफ में भी वैसे हो जैसे आंसर किया था? मुझे भी जानना। एक्चुअली मैं रियल लाइफ में सीरियस हूँ, पर इतना नहीं हूँ जितना सिद्धार्थ है, क्योंकि सिद्धार्थ की एक अलग लेवल की इंटेंसिटी है जो उसकी लाइफ में घटा है, उस वजह से वो आज इस सिचुएशन में है। पर मैं हाँ मैं सीरियस हूँ, बट उतना सीरियस नहीं हूँ, मजाक करता रहता हूँ, कभी कभी हंसता जाता हूँ मैं। हाँ तो किसी ने मुझे ये भी सवाल किया है कि सिमिलैरिटीज़ क्या है, क्योंकि मैं सिमिलैरिटीज़ के बारे में बोल चुकी हूँ, तो मैं अगले सवाल पे जाती हूँ। किसी ने ये भी सवाल किया था मुझे कि शुरुआत के एपिसोड्स नहीं देखे हैं मिठाई के, तो वो कहाँ देख सकते हैं? तो ऑफ कोर्स Z5 में जरूर देखिए, एंड कभी भी कहीं भी, यस एनीवेयर 24/7 Z5 एंड सारे एपिसोड्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, सो यू कैन ऑफ कोर्स वॉच ऑन Z5 और वॉच इट एंड प्लीज लेट अस नो कैसा लग रहा है जी। आपको आपके कैरेक्टर के बारे में सबसे फेवरेट चीज क्या लगती है? मेरे कैरेक्टर के लिए सबसे, मतलब मेरी फेवरेट और सबसे चैलेंजिंग चीज है जो वो उसके अंदर जो इंटेंसिटी है, जो उसके अंदर ठहराव है, वो क्रिएट करना, वो मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि वो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है यार वो कुछ करने वाली चीज है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज तुम्हारे लिए लैंग्वेज एक बैरियर था जो तुमने बहुत अच्छे से क्लियर किया। मेरे लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं है, पर वो एक जो इंटेंसिटी और ठहराव है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और वो मेरा फेवरेट भी है। तुम्हारे लिए चटरपट नहीं, दिस कैरेक्टर ऑफ कोर्स मिठाई आप लोगों ने देखा तो आपको पता होगा कि दिस कैरेक्टर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर मी, यस, एंड इतना वाइब्रेंट पॉजिटिव एंड एनर्जी के साथ रहना हर इंसान के लिए, कहीं ना कहीं दिन भर वैसे ही मूड में रहना इट्स नॉट पॉसिबल समटाइम्स, कभी कभार ऐसा होता है कि डायलॉग तो दिवा तो मैं ऐसा करती रहती हूँ आफ्टर शॉट, बट यू नो दिस इज द बेस्ट पार्ट कि मैं सीख रही हूँ एंड आई एम अप फॉर लर्निंग, यू नो द मोर आई कैन लर्न द मोर आई कैन गेन, दैट्स व्हाट आई हैव सीन दिस थिंग, क्योंकि जो मिठाई का कैरेक्टर है बहुत एनर्जी वाला है, मतलब वो चलती नहीं है, दौड़ती रहती है, वो जो है ये जैसे कट होता है ना, कट जैसे करती है, अच्छा पानी पानी मैंने बेचारे को पानी लाके तो यार ये परेशान हो गई। तो किसी ने हमसे ये भी सवाल किया है कि फॉर एग्जांपल हम आप अपने ही शो के अलावा कोई और शो देखते हैं तो कहाँ पर देखते हैं और कौन कौन से शोज देखते हैं? तो मैंने अभी Z5 पे वो देखी थी अभी स्पाइडरमैन। अरे Z5 में अदर शोज आल्सो नए भी शोज आ रहे हैं यार, राधा मोहन आ रहा है, ट्रेलर एंड एवरीथिंग, सेकंड ऑफ मे को आ रहा है, यस हां सेकंड ऑफ मे, एंड 8 बजे से, सो यू नो और आई एम एब्सोल्युटली गोना वॉच। मुझे एक्चुअली Z5 के सारे शोज बहुत सही लगते हैं, क्योंकि एक्चुअली इससे पहले मैं जिस शो का पार्ट था वो भी Z का था, मैं Z फैमिली से था, तेरे बिना जिया जाए ना,
तो मैं वो भी देखता रहता हूँ बीच बीच में कि यार क्या चल रहा है मेरे पुराने वाले शो में. सो सिद्धार्थ के लिए किसी ने ये भी पूछा था कि अच्छा मेरे शो में, चलो मैं बताता हूँ, किसी ने मेरे से पूछा था कि फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है. अच्छा हाँ. चलो तुम भी बताओ, मैं बताऊंगा, तुम बताओ पहले फेवरेट कैरेक्टर. अच्छा तुम्हारे शो में पहले आप बताइए, आपने खुद ही पूछा था. नहीं मैंने नहीं पूछा, मेरे से किसी ने पूछा था. मेरा फेवरेट कैरेक्टर है दादो, मतलब सिद्धार्थ तो ऑब्वियसली है क्योंकि वो मैं हूँ, पर मेरे से अलग दादो. और आपका मैम? नहीं such a tricky Accident. question. No, such a tricky question. Haan, अगर मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर को निकालू ना तो शायद justice नहीं हो पाएगा किसी एक कैरेक्टर को चूज करना, बिकॉज यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स उतने ही इम्पोर्टेंट है. और जी बिल्कुल, एक कैरेक्टर को यू नो ग्लो यू नो इम्पोर्टेंस या तवज्जो देना, एग्जैक्ट वो करने के लिए यू नो अदर कैरेक्टर्स को रहना ही पड़ेगा. सो हम एक कैरेक्टर को चूज नहीं कर पाएंगे. सो नो वी हैव टू चूज सो मेनी. सो आई एम कंफ्यूज्ड. अगर आप मुझसे पूछे तो आई नहीं, मेरा एक्चुअली मेरा दादू के साथ सीन्स और दादू के साथ बॉन्ड और तुम्हारे साथ भी बॉन्ड है, वो एक अलग है. पर मैंने इस शो में सबसे खूबसूरत चीज ये है शो की, आप आगे सीक्वेंस देखेंगे, आपने काफी देखे होंगे, कि हर एक इंसान इम्पोर्टेंट है. कोई भी ऐसे नहीं है कि बस है द बेस्ट पार्ट. अच्छा अगर सिद्धार्थ का कोई साथी चूज करना हो तो वो कौन होगा? सिद्धार्थ का साथी, सिद्धार्थ का साथी वैसे सच बताऊं तो उसका अकेलापन है, पर उससे अलग वो जो उसकी माँ की तस्वीरें है ना उसके पास, जो बचपन की तस्वीर उसके नहीं, पास वो साथी नहीं, they wanted to know some other साथी. What? As in a partner, because आपका अगला क्वेश्चन जो आया है वो ये है कि आपके हिसाब से एक मॉडर्न लड़का अपने साथी में क्या ढूंढता है? देखो यार, मॉडर्न हो चाहे गांव का हो चाहे कहीं से भी हो, मैं ना खुद पर्सनल लाइफ में बहुत छोटे टाउन से हूँ, तो चाहे सिद्धार्थ मॉडर्न लड़का हो चाहे कुछ भी हो, जीवन साथी जो होता है वो ना बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझे आपको, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तो चलती रहेंगी. आप बताइए मैम. तो मुझसे ये भी इग्नोर मत करो, ये बात बताओ कि जीवन साथी. ओके सो अगर मिठाई मिठाई के तौर पे या फिर मिठाई के तौर पे और मुझे ये लगता है कि जो भी इंसान हो वो बहुत जेन्युइन हो, नॉट फेक, वेरी जेन्युइन, एंड उनकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आंखें अच्छी होनी चाहिए. ये आज बता रही है, ये आज बता रही है. नहीं सो एनी विच वेज मुझे ये भी सवाल किया गया था कि आप अपने लाइफ में किसी को अगर कहेंगे साथ ही साथ चल तो कौन होगा, तो मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमेशा मेरी ज़िंदगी के हर एक पल में रही है, जिनके वजह से मैं यहाँ पे सबसे मेन जो मैं कहूँगी वो मेरी माँ है, और फिर ऑफ कोर्स माय पापा एंड माय यंगर सिस्टर, बट माँ माँ होती है. तो मेरी माँ है मेरी. एक्चुअली मैं पिछले 10 साल से घर से बाहर रहता हूँ, पहले पढ़ाई के लिए फिर अब ये काम के लिए. एक दिन ऐसा नहीं गया जो मेरी माँ ने मुझे फोन करके ना पूछा तो कैसा है, वो भी दिन में 3 बार. हाँ एक बार नहीं, सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज, खाना खा लिया, क्या कर रहा है, कितने बजे पैकअप है. अच्छा कई बार लेट नाइट पैकअप, जैसे भी कल परसों मेरा पैकअप हुआ सुबह 4 बजे, काफी लेट था, तो माँ ने फिर भी मतलब सोई नहीं तब तक. दैट इज द ब्यूटी. तो किसी ने मिठाई से ये भी सवाल किया है कि एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा साथी कौन होता है, तो मैं कहना चाहूँगी एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, अगर उसकी सबसे उसका सबसे बड़ा साथी है मेरे लिए तो वो है एक कलाकार की कला. कला के साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कॉन्फिडेंस. अगर आपके पास कला है और आपको उसको शो करने का कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि मैंने काफ़ी कलाकार ऐसे देखे हैं जो बहुत अच्छी कला में बहुत अच्छे हैं पर वो स्टैंड आउट नहीं करते, वो बाहर ही नहीं आते. वो कहते हैं नहीं हम अपने उसमें ठीक है. कॉन्फिडेंस और कला तो ऑब्वियसली सबसे ऊपर. अच्छा एक शो का नाम बताइए जिसका पार्ट बनना चाहेंगे आप. यार एक नहीं बहुत सारे. अच्छा अभी ये आया था, एक तो फ्रेंड्स में कोई भी कैरेक्टर चलेगा. और कौन सा अगर अभी रिसेंट एक्चुअली में जिसका पार्ट बनना चाहता था उसका बन गया.
अगर पॉसिबल होता तो मैं मानव के ऑपोजिट में काम करना चाहती, पवित्र रिश्ता में मुझे ले है ना मुझे हाँ मैं और मैं क्या मैं मानव बनना चाहता हूँ पवित्र रिश्ता और जो हमारे मानव जी हैं वो एक अलग कैरेक्टर मतलब मैं मेरे को याद है मैं स्कूल में था एंड वी वर जस्ट क्रेजी अबाउट दैट शो. अच्छा तो ये भी पूछा गया है कि आपका सबसे फेवरेट एपिसोड कौन सा है. एक्चुअली मेरे लिए एक नहीं चुन सकते बिकॉज सारे एपिसोड्स में कुछ ना कुछ फनी होता ही रहता है सब. तो मेरे पास एक है कि एक फनी एपिसोड मतलब जितने भी फनी एपिसोड्स हैं मैं एक्चुअली सारे अच्छे हैं नॉट मेरे लिए तो वो वाला भी जिसमें मैंने डिशुं डिशुं किया मुझे बड़ा मजा आया एकदम. सो सिद्धार्थ को ये भी कहा गया है कि जब सेट पे ब्रेक होता है तो आप टाइम कैसे स्पेंड करते हैं. जब सेट पे ब्रेक होता है तो मैं ज़्यादातर अपने रूम में बैठ के कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ खा रहा होता हूँ, पी रहा होता हूँ या तो सोच रहा होता हूँ कुछ ना कुछ. मतलब क्योंकि एक्चुअली ब्रेक में मौज मस्ती तो चलती है कभी किसी के साथ. मैं चुपचाप ब्रेक में अपने ये में आती हूँ शांत, या तो मैं सो जाऊंगी बिकॉज नींद इज इम्पोर्टेंट, थक जाते हो मिठाई सम टाइम यू नो. और लास्ट क्वेश्चंस कि हम अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे. सो वुड यू लाइक टू स्टार्ट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए आप लोग हमें पर्सनली नहीं जानते पर आप जो हमें प्यार देते हैं ना वो पर्सनल लेवल पे एक दूसरे को जानने से भी ऊपर है. आप हमारे लिए कोलाज बनाते हो, कभी कभी इतने प्यारे मैसेज लिखते हो, मैं देखता हूँ और मुझे इतना इमोशनल फील होता है कि मतलब यार ये क्या इन्होंने लिख दिया, ये इतना सोचते भी हमारे बारे में. तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच. वी रियली लव यू, आई रियली लव यू, आई नो शी रियली लव हर फैंस. आप जितना मैंने आपका सपोर्ट पाया है, जितना मैंने गेन किया है, जितना मैंने अब तक देखा है, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मिठाई देखो बिकॉज़ यहाँ पे हम सब ने बहुत एफर्ट्स डाले हैं. आप Z5 में कभी भी देख सकते हो या यू कैन डेफिनेटली वॉच ऑन Z TV. यू नो द आपको टाइमिंग भी पता है एंड 7 बजे और मंडे से सैटरडे यू कैन वॉच एनी टाइम एक्चुअली Z5. पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्लीज़ डू वॉच आवर शो एंड प्लीज़ देखिए, प्लीज शावर ऑल योर लव एंड आप लोगों ने जितना किया है आई एम थैंकफुल एंड आई होप कि एंटरटेनमेंट में कोई कमी ना रखो मेरे तरफ से एंड ऑफकोर्स फ्रॉम द एंटायर. हम दोनों चाहते हैं कि हम बहुत मेहनत करें जिससे कि आप बहुत अच्छे से एंटरटेन हो और आपको लगे कि मतलब ये जो कर रहे हैं ये कुछ अलग है, मतलब कुछ अच्छा प्यारा है. ये हमारा शो ना बहुत बहुत प्यार से भरा है तो आप उस प्यार भरे शो को प्यार दीजिए प्लीज और देखिए मिठाई 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 और सिद्धार्थ सिद्धार्थ एंड मिठाई को थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू लॉट्स ऑफ लव एंड रिगार्ड्स. लव यू गाइस.